तब वे झील के दूसरे तट पर ग्रासेनास क्षेत्र में आए। मसीह यीशु के नाव से नीचे उतरते ही एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उनके पास आया। वो कब्रों के मध्य ही रहा करता था। अब कोई भी उसे सांकलों तथा बेड़ियों से भी बांध पाने में समर्थ न था। बहुधा उसे बेड़ियों तथा सांकलों में बांधे जाने के प्रयास किए गए, किंतु वो सांकलों को तोड़ देता तथा बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालता था। अब किसी में इतनी क्षमता न थी कि उसे वश में कर सकें। रात दिन कब्रों के मध्य तथा पहाड़ियों में वो चिल्लाता रहता था तथा स्वयं को पत्थर मार मार कर घायल कर लेता था। दूर से ही जब उसने मसीह यीशु को देखा, वो दौड़कर उनके पास आया, अपना सिर झुकाया और उसमें से ऊंची आवाज में ये शब्द सुनाई दिए, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा आपका कोई लेन देन नहीं, आपको परमेश्वर की शपथ मुझे कोई कष्ट न दें। क्योंकि मसीह यीशु उसे आज्ञा दे चुके थे, ओ दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। तब मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या नाम है तेरा? प्रेत ने उत्तर दिया, सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। प्रेत मसीह यीशु से विनती करने लगा कि वो उसे उस प्रदेश से बाहर न भेजे। वहीं पहाड़ी पर सुअरों का एक विशाल झुंड चर रहा था। प्रेत समूह ने मसीह यीशु से विनती की, हमें इन सुअरों में भेज दीजिए कि हम उनमें जा बसें। मसीह यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दे दी। वे प्रेत बाहर निकलकर उन सुअरों में प्रवेश कर गए। लगभग 2000 सुअरों का वो झुंड पहाड़ की तीव्र ढलान पर तेज गति से दौड़ता हुआ झील में जा डूबा। भयभीत रखवाले भाग गए तथा नगर और पास के क्षेत्रों में जाकर इस घटना के विषय में बताने लगे। नगरवासी जो कुछ हुआ था उसे देखने वहां आने लगे। जब वे मसीह यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति वस्त्र धारण किए हुए सचेत स्थिति में वहां बैठा था। ये वही व्यक्ति था जिसमें प्रेतों की सेना बैठी थी। ये देख वे डर गए। सारे घटनाक्रम को देखने वाले लोगों ने उनके सामने इसका बयान किया कि प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति तथा सुअरों के साथ क्या क्या हुआ है। इस पर वे मसीह यीशु से विनती करने लगे कि वो उनके क्षेत्र से बाहर चले जाएं। जब मसीह यीशु नाव पर सवार हो रहे थे, प्रेतों से विमुक्त हुआ व्यक्ति मसीह यीशु से विनती करने लगा कि उसे उनके साथ ले लिया जाए। मसीह यीशु ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी, परंतु उसे आदेश दिया, अपने परिजनों के पास लौट जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारे लिए प्रभु ने कैसे कैसे आश्चर्य काम किए हैं तथा तुम पर उनकी कैसी कृपा दृष्टि हुई है। वो देकापोलस नगर में गया और उन कामों का वर्णन करने लगा जो मसीह यीशु ने उसके लिए किए थे। ये सुन सभी चकित रह गए। मसीह यीशु दोबारा झील के दूसरे तट पर चले गए। एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई। मसीह यीशु झील तट पर ही रहे। स्थानीय यहूदी सभागृह का एक अधिकारी जिसका नाम याइरास था वहां आया। ये देख कि वो कौन है, वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। बड़ी ही विनती के साथ उसने मसीह यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चलिए और उस पर हाथ रख दीजिए कि वो स्वस्थ हो जाए और जीवित रहे। मसीह यीशु उसके साथ चले गए। बड़ी भीड़ भी उनके पीछे पीछे चल रही थी और लोग उन पर गिरे पड़ रहे थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक चिकित्सकों के हाथों उसने अनेक पीड़ाएं सही थी। इसमें वो अपना सब कुछ व्यय कर चुकी थी, फिर भी इससे उसे लाभ के बदले हानि ही उठानी पड़ी थी। मसीह यीशु के विषय में सुनकर उसने भीड़ में उनके पीछे आकर उनका वस्त्र छुआ। उसका ये विश्वास था, यदि मैं उनके वस्त्र को छू भर लूं, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव थम गया। स्वयं उसे अपने शरीर में ये मालूम हो गया कि वो अपनी पीड़ा से ठीक हो चुकी है। उसी क्षण मसीह यीशु को भी आभास हुआ कि उनमें से सामर्थ्य निकली है। भीड़ में ही उन्होंने मुड़कर प्रश्न किया, कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? शिष्यों ने उनसे कहा, आप तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार भीड़ आप पर गिरी पड़ रही है और आप प्रश्न कर रहे हैं, कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? प्रभु की दृष्टि उसे खोजने लगी जिसने किया था। वो स्त्री ये जानते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है, भय से कांपती हुई उनके चरणों पर आ गिरी और उन पर सारी सच्चाई प्रकट कर दी। मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है, शांति में विदा हो जाओ और स्वस्थ रहो।
जब मसीह यीशु ये कह ही रहे थे, याइरस के घर से आए कुछ लोगों ने ये सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवार को कष्ट देने का क्या लाभ। मसीह यीशु ने सुन उस यहूदी सभागृह अधिकारी से कहा, भयभीत ना हो, केवल विश्वास करो। उन्होंने पत्रस, याकोब तथा याकोब के भाई योहन के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने साथ आने की अनुमति न दी, और ये सब यहूदी सभागृह अधिकारी के घर पर पहुंचे। मसीह यीशु ने देखा कि वहां शोर मचा हुआ है तथा लोग ऊंची आवाज में रो पीट रहे हैं। घर में प्रवेश कर मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ये शोर और रोना पीटना क्यों? बच्ची की मृत्यु नहीं हुई है, वो केवल सो रही है। ये सुन वे मसीह यीशु का ठट्ठा करने लगे, किंतु मसीह यीशु ने उन सभी को वहां से बाहर निकाल बच्ची के पिता तथा अपने साथियों को साथ ले उस कक्ष में प्रवेश किया जहां वो बालिका थी। वहां उन्होंने बालिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कोम, अर्थात बालिके उठो। उसी क्षण वो उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। इस पर वे सभी चकित रह गए। बालिका की आयु 12 वर्ष थी। मसीह यीशु ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिए कि इस घटना के विषय में कोई भी जानने ना पाए, और फिर उनसे कहा कि उस बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए।